मैं यहां पर आया हूं, ठीक काम कर रहा हूं, कोई गलत काम थोड़ी है। पहले भी कई जगह गया, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ में नहीं आता भाई, क्यों कह रहे हो कि बार बार। मैं थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। यदि अगर थोड़ा सोच लेते, कानून भी झांक लेते, तो उनको पता लग जाता कि भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती है, बड़े सोच विचार मंथन चिंतन के बाद होती है। पर कह दिया कि भाई आपका आना ठीक नहीं है, किस कानून के तहत पता नहीं। तो चूंकि राज्यसभा में शेर व शायरी होती है, तो रस्ते में मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी और मैंने कहा सबसे पहले आपसे साझा करूं। और इस कविता को लिखने से पहले मुझे एक गजल याद आ गई थी। उस गजल में था, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। ये गजल है, बहुत प्रसिद्ध गजल है। तो इसी की तर्ज पर व्यथित होकर, दुखी होकर, पीड़ित महसूस करकर कि मुझे इस मामले में क्यों घसीटा, मेरा काम तो संविधान सम्मत था, जनता के भले के लिए था, कृषक पुत्र होने के नाते किसान संस्थाओं में गया, शिक्षा का मैं प्रोडक्ट हूं, शिक्षा की वजह से मेरी उन्नति हुई है, तो मैं हर जगह संस्थाओं में भी गया, और बाकी मेरी यात्रा विधानसभा के अध्यक्ष के निमंत्रण पर हुई, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में हुई, राज्य सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, नहीं बुलाया, मुझे तो परेशानी नहीं है, उनका विवेक है वो जाने। तो इस पृष्ठभूमि में मैंने जो कविता बनाई, खता क्या की हमने पता ही नहीं, खता क्या की हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं। तो मेरा घर है, यह कैसा मंजर है समझ से परे है, यह कैसा मंजर है समझ से परे है, सवालिया निशान क्यों है अपने घर आने के में, क्या जुर्म है पता ही नहीं। यहीं छोड़ता हूं इस बात को। बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म गर्ल्स एंड द ऑडियंस, आई वुड लाइक टू डिक्लेयर, आई डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल इन अथॉरिटी टू मेक लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस। This is not good for democracy. There must be respect for constitutional positions, and all of us in togetherness, hand in hand, in collaboration, in coordination, with consensual approach, have to serve the people at large. मन दुखी तो होता है, दुखी होता है कि किन किन शब्दों का उपयोग कर लिया। उभरना बड़ी मुश्किल है। आपकी संस्था इतनी अच्छी है और कोई बेवजह अनर्गल बात कहे तो इनके उत्साह में कितनी कमी आएगी। आई अपील टू एवरीवन, इट इज आवर कंट्री, वी ऑल आर सर्वेंट्स ऑफ दिस कंट्री, वॉट एवर बी आवर पोजिशन, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट डाउन द लाइन अप टू द चीफ मिनिस्टर, एंड वी मस्ट बी वेरी सेंसिटिव। हमें ऐसा पब्लिक परसेप्शन जनरेट नहीं करना चाहिए कि बेवजह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राजनीति में घसीटा जाए, ये ठीक नहीं है। इसे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा।